फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्लाउज़ की बैक डिज़ाइन और इसे हम बनाएंगे 34 साइज़ की। तो मेज़रमेंट देख लेते हैं। टोटल लेंथ 15 इंच ली है, शोल्डर 5.5 इंच और आर्म होल भी 5.5 इंच। चेस्ट का फोर्थ पार्ट और 2 इंच प्लस किया है मार्जिन के लिए। वेस्ट है हमारी 28, उसका फोर्थ पार्ट 7 इंच, 2 इंच मार्जिन का और 1 इंच टक्स के लिए लिया है। अब यहाँ पर नेक की वेट लेनी है 2.5 इंच। नेक की लेंथ ले रहे हैं हम 11 इंच। एक बॉक्स बनाना है, फोर इंच पे मार्किंग की हमने यहाँ पे आर्मोल के नीचे के साइड पर, और अब यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है। ये देखिए, इस तरीके से शेप दिया हमने इसका। ऊपर के साइड से हमें शेप देना है। ये देखिए, इस तरीके से ऊपर के साइड से शेप दिया, और अब इसे हम कट करेंगे। और मैन फैब्रिक पर भी इसी तरीके से इसे कट कर लेना है। ये देखिए, मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो मैन फैब्रिक को राइट साइड पर रखा, उसके ऊपर लाइनिंग रखनी है और नेक को हमें स्टिच करना है। पूरे ही नेक पर कट लगाएंगे और इसे पलट लेना है। साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से साइड से एक रफ स्टिच कर लेना है। बाकी साइड से भी स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर भी हमें मैन फैब्रिक राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है और कट लगा लेना है। पलट लेना है और इसे भी साइड से स्टिच कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हम धागे वाली पाइपिंग यूज़ कर रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पाइपिंग यूज़ की है वो गोल्डन कलर की यूज़ की है, क्योंकि ब्लाउज़ में गोल्डन कलर के फ्लावर बने हुए हैं। तो आप इस तरीके से या कॉन्ट्रास्ट में आप पाइपिंग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कॉर्नर था, वहाँ पर हमने कट लगा कर इस तरह से फिनिशिंग दे दी है ताकि अच्छे से बैठ जाए। और साइड से एक स्टिच और कर लेना है। इस वाले पार्ट में भी हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो देखिए, इसमें भी पाइपिंग लगा ली है हमने। यहां पर भी कट लगाना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ, तो हमें पाइपिंग के साइड से गोल्डन कलर की लेस लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन कलर की लेस भी लगा सकते हैं। साइड से डबल स्टिच कर लेना है हमें। दूसरे साइड पर भी लगा लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर ये हमने 4-4 इंच के स्क्वायर पीसेस में इस तरह से कट किया और ट्रेंगल शेप में इन्हें फोल्ड कर लेना है। तो ये जो सभी फैब्रिक लिए हैं वो 4-4 इंच के लिए हैं, सभी साइड से ये 4-4 इंच है। और देखिए, इस तरह से एक्स्ट्रा जो है उसे कट करेंगे। अब देखिए, इसको इस तरह से रखते हुए एक के ऊपर एक और साइड से हम स्टिच करेंगे। तो उसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है पहले। ये देखिए, इस तरह से, और अब साइड से हम इसे स्टिच करेंगे।
और यहाँ पर अब इसे हमें स्टिच कर लेना है। ये देखिए दोनों ही साइड पर हम इसे स्टिच करेंगे। नीचे का जो एक्स्ट्रा है उसे कट करना है और अब यहाँ से हमें इसे अटैच कर लेना है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन का, वो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए नीचे के साइड पाइपिंग लगाएंगे तो देखिए आप इस तरह से डायरेक्ट भी पाइपिंग लगा सकते हैं। नीचे आपको पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ही आप पाइपिंग को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और इसको इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर से एक, और नीचे के साइड पाइपिंग भी लगा लेंगे। तो देखिए लेस भी लगा ली है। अब यहाँ पर हमें लटकन बनानी है। 2.5 इंच के स्क्वायर पीसेस कट किए हैं, ट्रेंगल शेप में स्टिच करना है और उनके ऊपर हमें लेस लगा लेनी है। इस तरह से डोरी के सेंटर में रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो लटकन हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है और बस अब इसे हमें नेक पर स्टिच करना है। फ्रेंड्स बैक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गई है।